मैंने पिछली बार कहा था कि मेरा अपनी शक्ल पे से ही भरोसा उठ गया है, तो मैंने सोचा कि यार अब मैं इंस्टाग्राम की जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं, जो सेक्सी लड़कियां होती हैं ना, उनकी तरह सब पाउट करके पिक्स लूंगी। पिक लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सुअर के बच्चे मुझसे ज्यादा क्यूट लगते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार मैं किसको इम्प्रेस करना चाहती हूँ, लड़के तो वैसे भी पूजा आरती अर्चना में श्रद्धा और भावना के साथ लगे रहते हैं। आउच। आसान थोड़ी है यार, 24 घंटे में 18 लड़कियों से बात करना, फिर ऐसा तेल लगा के चंपू बन के घर वालों के सामने शरीफ बनने का ढोंग करना, फिर धनिया पुदीना लेने जाना, आसान लाइफ थोड़ी होती है, बहुत मेहनत लगती है। फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना सिंगल ही ठीक हूँ, पर थोड़ी देर बाद याद आया कि यार अगर ठीक होती तो ये वीडियोस नहीं बना रही होती ना। एक सेकंड के अंदर कायनात की बजाय लानत झुक गई मेरे मुंह पर। अब ऐसे टाइम पे किसी को भी गाने ही याद आते हैं। मैं Gaana.com पे गई, मैं गाने सुन रही थी, लेकिन बीच में अजय देवगन और SRK आ गए, बोलने लगे बोलो जुबा केसरी। मैंने बोल दिया, हुआ कुछ नहीं। अब मैंने सोचा यार कि कोट से ही काम चलाते हैं। मैंने ये कोट, बड़ा फायदेमंद कोट पढ़ा भी, दैट यू आर अलोन व्हेन शिट गोज डाउन। ये बात ना मेरे ईगो पे लग गई। मैंने सोचा इस कोट को तुमने गलत साबित करना, तो मैं अपने पापा के पास गई और मैंने बोला कि आपके खेतों की वसीयत में मुझे मेरा नाम चाहिए, क्योंकि लाइफ में फ्रेंड्स मिले ना मिले, लेकिन अगर खेतों में लोटा पार्टी करने जाओगे तो साथ ही मिल ही जाते हैं। वसीयत का तो पता नहीं, हैसियत जरूर पता लग गई।